गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फिट एंड हेल्दी एट योर होम. आई एम गगन मांडरे, योर मैथ्स टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यू मनी. आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे. अपने पहले वीडियो में मैंने आपको मनी में कॉइन्स के बारे में पढ़ाया है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आज हम पढ़ेंगे नोट. हमारे इंडिया में अभी जो नोट यूज़ किए जाते हैं वे हैं 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़. ओके बच्चों, ये रुपीज़ होते हैं. इनके बीच में ये नंबर दिए हुए हैं. ये 1 तो 1 रुपीज़ नोट, ये 2 लिखा है तो 2 रुपीज़ नोट, 5 लिखा हुआ है 5 रुपीज़ नोट, 10 लिखा हुआ है 10 रुपीज़ नोट. इन नंबरों को देखकर हमको मालूम पड़ जाता है कि किस नंबर का नोट है, कौन सा नोट है. इस पर 20 रुपीज़ लिखा है तो ये 20 रुपीज़ नोट है. इसके ऊपर बताइए कौन सा नंबर लिखा है, 50, तो ये 50 रुपीज़ नोट हुआ. इसके ऊपर क्या लिखा है बताइए जल्दी, क्या लिखा है इसके ऊपर, 100, तो ये हुआ 100 रुपीज़. ये है 500 रुपीज़. हर नोट के ऊपर महात्मा गांधी जी की फोटो लगी होती है. यह है 2000 रुपीज़ नोट. इसके ऊपर 2000 लिखा हुआ है तो यह है 2000 रुपीज़ नोट. बच्चों अब हम नोट से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. यह है मैच द फॉलोइंग. इन नोट को देखकर 5 5, ये नोट को देखकर हमको इससे मैच करना है, मिलाना है. अब ये 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट कितना हुआ, 5 और 5, 5 प्लस 5 हुआ 10. तो 5 प्लस 5 वाले नोट को हम 10 से मैच कर देंगे. ओके, अब ये है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ के 2 नोट हैं यहाँ पर. तो 50 प्लस 50 होता है 100. अब यहाँ पर देखिए 100 रुपीज़ कहाँ है, ये है 100 का नोट, तो हम इसको 100 से मैच कर देंगे. अब ये है 500 रुपीज़ नोट. 1 2 3 और 4, 4 नोट हैं 500 के. अब इसको ऐड करिए कितना हुआ, 500 प्लस 500 1000, 500 प्लस 500 2000, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, 500 के 4 नोट कितने हुए, 2000. तो हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा 2000 कहाँ है, 2000 ये रहा, तो हम इसको 2000 के साथ मैच कर देंगे. अब ये है 10 रुपीज़ और ये भी 10 रुपीज़, 2 10 रुपीज़ हैं. 1 और 2 दोनों को ऐड करिए कितना हुआ, 10 प्लस 10 हुआ 20. अब यहाँ पर देखिए 20 का नोट कहाँ है, ये रहा, इसको इससे मैच कर देंगे. तो ये हमारे हो गए मैच द फॉलोइंग. बच्चों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. फाइंड द कॉस्ट इन ईच ग्रुप एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स. नीचे कुछ पैसे दिए हुए हैं, इनको हमें ऐड करके बॉक्स के अंदर उनके आंसर लिखने हैं. अब यह है बैलून, बैलून की प्राइस है 25 पैसा. यह है टॉफी, टॉफी की प्राइस है 50 पैसा. 25 प्लस 50 को ऐड करके हमको इसका आंसर लिखना है. तो 25 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया, 75 पैसा. अब नेक्स्ट है, ये क्या है बताइए, पेंसिल. पेंसिल का प्राइस है 1 रुपीज़ और काइट का प्राइस है 2 रुपीज़. तो 1 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ कितना हुआ, कितना हुआ 1 और 2 प्लस 3, वेरी गुड. नेक्स्ट, बॉल की प्राइस 2 रुपीज़, बुक्स की प्राइस 3 रुपीज़. तो 2 प्लस 3 ऐड करने के बाद हमको इसका आंसर बॉक्स के अंदर लिखना है. तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. अब ये है पपाया और ये है चेरी. पपाया का प्राइस है 5 रुपीज़ और चेरी का प्राइस है 3 रुपीज़. तो 5 प्लस 3 कितना हुआ, टेल मी नाउ फास्ट, 5 प्लस 3 हुआ 8. तो हम लिख देंगे यहाँ पर बॉक्स के अंदर 8. अब नेक्स्ट है 10 रुपीज़ टॉफी का प्राइस है और 5 रुपीज़ बुक का प्राइस है. तो 10 प्लस 5 कितना हुआ बताइए, कितना हुआ 10 प्लस 5, 10 और 5 हुआ 15, 1 5 15. तो 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 15 रुपीज़. अब ये है
पोमेग्रेनेट, और ये है टॉफी, इसका प्राइस 5 रुपीज और इसका प्राइस है 5 रुपीज, तो 5 + 5 कितना हुआ 10 रुपीज, यहां हमने लिख दिया 10। इसका प्राइस है 3 रुपीज और ये है 10 रुपीज का, तो 3 + 10 इज इक्वल टू कितना हुआ 3 + 10 हुआ 13। बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको मनी से रिलेटेड नोट्स की एक्सरसाइज समझाई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इन एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएंगी। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।